हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को यूट्यूब अपडेट्स से रिलेटेड आप लोगों को अवेयर कराना। आपको कोई भी अपडेट्स आई है उसके बारे में बताना कि भाई इस तरह से आप लोगों को काम करना है, तो उससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए जो कि अभी हाल फिलहाल बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों को पता चलने वाला है कि भाई इस तरह से काम करना है, अदरवाइज आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। और वो गलत क्या है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ ऐसे यूट्यूब टिप्स और टेक्निकल टिप्स से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है हिमांशु सक्सेना 515, ठीक है। तो दोस्तों, आप अपन बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, हाल फिलहाल अभी मेरे एक इंस्टाग्राम पर एक यूजर है जिसके चैनल पर प्रॉब्लम क्या आई है कि भाई उसका चैनल मोनेटाइज हो गया था, और मोनेटाइज के बाद वो वीडियोज अपलोड करने लगा, रेवेन्यू जनरेट होने लगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका चैनल पर आ गया रियूज्ड कंटेंट। हालांकि मैंने इस वीडियो पर, इस जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वॉइस भी सुनाया था, लेकिन इस वीडियो में कुछ और हटके मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ जो यूट्यूब की अपडेट है जिस पर यूट्यूब अभी काम कर रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आप लोग उस अपडेट्स को ध्यान में न रखते हुए काम करने जा रहे हैं, और आप लोग नहीं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोज ऐसी भी हैं जिन पर मैंने गलती की हुई है। तो वो गलती आप लोगों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने आया हूँ। तो दोस्तों, बात ये है कि उस चैनल पर क्या आया, रियूज्ड कंटेंट। अब रियूज्ड कंटेंट दोस्तों कई तरह से देखने को मिल रहा है। अगर आप एक तरह की वीडियोस बना रहे हैं, सपोज आप बना रहे हैं, एक टाइटल ले लेते हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, और दोस्तों मान लीजिए वो वीडियो आपकी वायरल हो गई, तो दोस्तों यूट्यूब की एल्गोरिथम ये कहती है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, इस वीडियो पर आपके व्यूज अच्छे खासे आए हैं, आपकी वीडियो वायरल हुई है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड ही आपको वीडियोज आगे बनानी है। ऐसा हर एक क्रिएटर, हर एक बड़ा क्रिएटर यही आपको बोलता है, और हालांकि बात भी सच है। लेकिन अगर आप उस केस में क्या कर रहे हैं, आप टाइटल सेम रख रहे हैं, आप उसका डिस्क्रिप्शन सेम रख रहे हैं, आप उसके टैग्स सेम रख रहे हैं, आप उसका थंबनेल भी सेम, लगभग सेम है, तो दोस्तों आपको यहां पर यूज्ड कंटेंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों, यूट्यूब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, अब आपको बहुत चीजें ध्यान में रख के ही काम करना होगा, अदरवाइज आपका चैनल यहाँ पर डिमोनेटाइज हो जाएगा। देखिए, रियूज कंटेंट आएगा आपके चैनल पर तो आपका चैनल क्या होगा, डिमोनेटाइज हो जाएगा, आपके चैनल पर कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और ना ही आपको कोई पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको सेम टॉपिक बनाना है, लेकिन आपको वहां पर टाइटल, आपको थंबनेल, आपको डिस्क्रिप्शन, आपको टैग्स, सब कुछ डिफरेंट रखना है। कोई पॉइंट आपका सिमिलर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके चैनल पर रियूज्ड कंटेंट देखने को मिलने वाला है। बात यहां पर, ये पॉइंट यहां पर मैं कंप्लीट करता हूं। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। जो मैंने गलती की है वो गलती क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कुछ हैशटैग से रिलेटेड। अगर आप सिमिलर वे में आप काम कर रहे हैं, सेम टॉपिक अपलोड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आपने दो वीडियोज बनाई, तीन वीडियोज बनाई, उसमें डिस्क्रिप्शन हो गया, हैशटैग हो गए, सब चीजें आपने सिमिलर रख रखे हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आपको यहां पर रियूज्ड कंटेंट का यहां पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। तो दो चीजें यहां पर मैंने क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं कि भाई मेरे वीडियोज पर क्या प्रॉब्लम है। बात मैं बता देता हूं, भाई मेरा टाइटल यहां पर सेम नहीं है, बट यहां पर मेरा डिस्क्रिप्शन की बात करें वो मेरा सेम है। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, YouTube मुझे रियूज्ड कंटेंट ना देते हुए मुझे क्या दे सकता है, मिसलीडिंग का यहां पर मुझे रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, क्योंकि दोस्तों एक से ज्यादा वीडियोस में आपका अगर डिस्क्रिप्शन सेम मिलता है तो उस केस में यहां पर मिसलीडिंग का रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वो गलती मैं कर रहा था, तो अब आप लोग भी अगर ऐसी गलती कर रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन आप बनाते हैं, लिखते हैं अपने वीडियोज के अंदर, तो दोस्तों उसको सिमिलर नहीं रखना है, हर वीडियोज में कुछ ना कुछ डिफरेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर लगा के चलना है, अदरवाइज जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं वो चीजें आप लोगों के साथ भी कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को अवेयर रहना है,
अपडेट्स जो भी यूट्यूब के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, जो भी उसकी गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा, अदरवाइज आप लोगों का चैनल यहाँ पर सस्पेंड भी हो सकता है। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं आप लोगों के लिए, एक एडिशनल पॉइंट है, देख लीजिए भाई, आप लोगों के जब 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 1 लाख यहां पर सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होता है, आपको सिल्वर प्ले बटन यहां पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों उस केस में अगर आप लोग ये गलती करते हुए चल रहे हैं, बाई चांस यूट्यूब ने अभी आपको कोई भी स्ट्राइक नहीं दी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके चैनल पर नहीं दिया, बट दोस्तों जब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो YouTube यहां पर 100% कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देगा और आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा। तो ये एक एडिशनल पॉइंट मैंने इस वीडियो में जोर दिया है जो कि YouTube की अपडेट्स है। और दोस्तों अगर आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक या कोई रिस्ट्रिक्शन होता है तो दोस्तों आपको ना, देखिए रिस्ट्रिक्शन होगा तो सिंपल है ना, आपका चैनल मोनेटाइज होगा उस टाइम पे, तो आपको किसका आपको प्ले बटन मिलेगा, है ना, और ना ही कोई अर्निंग होगी। तो दोनों चीजें यहां पर क्लियर है। स्ट्राइक आती है दोस्तों तो वो 3 महीने तक आपके चैनल पर रहती है, 1 स्ट्राइक अगर आ रही है आपके चैनल पर वो 3 महीने तक आपकी वैलिड रहती है आपके चैनल पर, उसके अंडर आपको प्ले बटन नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट मैंने यहां पर बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ ऐसे ही यूट्यूब टिप्स और टेक्निकल टिप्स से रिलेटेड वीडियोज आती रहती है। मिलता हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।